फ्रेंड्स, हर किसी की स्किन काफी ज्यादा अलग होती है। किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की सेंसिटिव होती है तो किसी की नॉर्मल होती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन होती है। कई लोगों की स्किन ऑयली और सेंसिटिव दोनों होती है तो कई लोगों की ड्राई और सेंसिटिव होती है। आइए जानते हैं कि अगर आपकी स्किन भी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं। टिप नंबर वन, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है और आप मेकअप का इस्तेमाल करती हैं, तो सोने से पहले मेकअप जरूर हटा लीजिए और मेकअप हटाने के लिए मेकअप रिमूवर का ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप पानी की सहायता से मेकअप हटाएंगी तो हो सकता है कि मेकअप सही से साफ ना हो और आपकी त्वचा पर एलर्जी हो जाए। टिप नंबर टू, अपने चेहरे को साफ करने के लिए माइल्ड क्लेंजर का प्रयोग करिए, जिसके अंदर ऑलिव ऑयल या फिर अच्छे अच्छे तत्व मिलाए जाते हैं। आप चाहे तो घर के अंदर ही क्लेंजर बना सकते हैं। आप चाहे तो गुलाब जल और ऑलिव ऑयल को मिक्स करके भी घर पर क्लेंजर बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर थ्री, स्क्रबिंग करना। अपने चेहरे को साफ करने के लिए, गंदगी को बाहर निकालने के लिए और चेहरे को रेडिएंट बनाने के लिए स्क्रबिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्किन तेलीय यानी कि ऑयली है तो आपको स्क्रबिंग जरूर करनी चाहिए। ये ना केवल आपके चेहरे से गंदगी को साफ करता है बल्कि एक्सेस ऑयल को भी निकाल देता है। टिप नंबर फोर है मॉइस्चराइजर। कॉम्बिनेशन स्किन को मॉइस्चराइजर की काफी जरूरत होती है, क्योंकि बदलते मौसम के साथ साथ उनकी स्किन भी काफी ज्यादा बदलाव लाती है। इसीलिए अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर का प्रयोग जरूर कीजिए। टिप नंबर फाइव, अपने चेहरे पर फेस पैक जरूर लगाइए। अपने चेहरे के टाइप के अकॉर्डिंग आप उस पर फेस पैक लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपका चेहरा रेडिएंट भी दिखाई देगा और आपकी देखभाल भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ ऐसे आसान से टिप्स जो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए काफी अच्छे हैं। इन्हें ट्राई करिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।